मैसेल्फ कासिम कुरैशी एंड आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके साइंस वन एंड टू, बेसिकली पहले पार्ट पे मैं आपको वन के बारे में सारे इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ और जो सेकेंड वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको पार्ट टू का इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि आपको ये चीज अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप अगर मेरे दो साल पहले की वीडियो देखोगे, लास्ट ईयर तो एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड, बट उसके पहले वाले ईयर का अगर आप मेरा इम्पोर्टेंस चेक करोगे और उसी ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर साथ में रख के देखोगे, कंपेयर करोगे, सो ऑलमोस्ट 70-80% जो चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी की सारी चीज़ें पेपर में थी। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल बी डिस्कसिंग आईएमपी क्वेश्चन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई नॉलेज। ठीक है, चलिए तो अब सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी कुछ है। ठीक है, उसके पहले आपको क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए या टेक्स्ट बुक रेडी रखिए आपके सामने, मार्क करते रहिए और साथ में एक कॉपी भी रखिए, एक बुक रखिए जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से हट करके मैं आपको बताऊँगा, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। जो आंसर्स बड़े बड़े हैं उनको थोड़ा शॉर्ट करके आप जस्ट एक फ्लो चार्ट बना के आपके पास रखिए ताकि आपको वो चीज़ थोड़ी इजी पड़ जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती, एज फार एज पॉसिबल आप उस पर कितना वर्कआउट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विल स्टार्ट विद द आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ साइंस पेपर वन। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में से, ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में से सबसे पहले याद रखिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एम वन इंटू एम टू जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, देन उसके यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, लाइक उसका एस आई यूनिट क्या है और साथ ही साथ उसका सी जी एस यूनिट क्या है। तो आप लोगों को पता होगा उसका एसआई यूनिट इज न्यूटन, करेक्ट, और इसका सीजीएस यूनिट इज डाइन। जब कभी आप न्यूटन का खाली कैपिटल एन लिखोगे तो जस्ट कैपिटल एन लिखना है, बट अगर आप पूरा लिख रहे हो तो आपको फिर ऐसे लिखना है न्यूटन। आई होप आप लोगों को ये चीज जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, वन न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। इसके बाद में न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए। देन इसके बाद में आपने ये वाला क्वेश्चन आज से दो साल पहले, मतलब लास्ट ईयर तो एग्जाम हुआ नहीं था, तो लास्ट ईयर से पहले जब एग्जामिनेशन हुआ था मैंने ये क्वेश्चन बताया था और पहले पेज पे ये क्वेश्चन आ गया था, करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक बार एग्जाम में आ चुका है तो फिर वापस से अब नहीं आएगा। तो ये दो मास है, ठीक है, दो बॉडीज है, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये वाला चीज जो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्टली इसके अंदर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आप लोगों को नहीं है, ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या होता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, याद रहना चाहिए आप लोगों को। और इसका जो एस आई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। देन व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ जी, ये वाला टॉपिक करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, लाइक वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी आपने किया रहेगा, चेंज विद हाइट है, चेंज विद डेप्थ है, ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार कर लीजिए। देन इसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट के बीच में क्या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो आप लोग कर लीजिए। देन कैपलर्स के जितने भी लॉज है, ओके, कैपलर्स के सारे लॉज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या है वो आप एक बार कर लीजिए, फ्री फॉल का डेफिनेशन कर लीजिए। इसके बाद में एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन करके रखिए, एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन,
दैट्स इट, न्यूमेरिकल्स वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है इस चैप्टर में सर। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर 1। अब मैं आपके सामने आपको टेक्स्ट बुक भी खोल के दिखा देता हूँ। लाइक ये आपका टेक्स्ट बुक है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। टाइट वगैरह कॉन्सेप्ट में नहीं है आपको। डायरेक्टली अब आ जाते हैं, इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। कहाँ गई एक्सरसाइज? ठीक है, तो एक्सरसाइज में ये वाला कॉन्सेप्ट कर लीजिए जिसमें सेंट्रिपिटल फोर्स आपको नहीं करना है। कैपलर्स लॉ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये आपको करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स डिलीटेड पार्ट में तो ज्यादा नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी ये मत करिएगा। देन ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये कर लीजिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर, कम टू नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में से कोई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एक मिनट चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन बहुत सारी चीजें कवर करूंगा जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे उस चीज का। ठीक है, ओके, द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट डैश एंड लोवेस्ट एट डैश। हाईएस्ट कहाँ होता है और लोवेस्ट कहाँ होता है, तो ये वाला आप एक कर लीजिए, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वाला। देन अच्छे से इसमें मुझे नहीं नजर आ रही है। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज फाइंड द कोरिलेशन वाला टॉपिक जो आपको आता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर पे। तो इस चैप्टर के अंदर लाइक केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है इसके अंदर डेफिनेशंस मेनली आपको करनी है। सुन लीजिए, डेफिनेशन लाइक जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इनका सबका डेफिनेशन अलॉन्ग विद डेफिनेशन इनके एग्जाम्पल्स जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, या फिर इसमें कोई केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने बोलेगा, ऐसा कुछ आ सकता है। या फिर केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रेसिपिटेट। पीपीटी क्या है, पीपीटी का कलर कौन सा है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं थर्ड चैप्टर पे आ गया हूँ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बाद में सेकेंड चैप्टर का इंपॉर्टेंस मैं आपको दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर गिव रीजन, गिव रीजन आने के चांसेस है इसके अंदर। ठीक है, गिव रीजन में लाइक व्हाइल डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज पोर्ड इनटू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग एंड नॉट वाइस वर्सा। ये वाले अभी मैं लिख लिख के आपको बताऊंगा तो टाइम बहुत जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसके बाद में रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, एंड आई होप सो आपको हर एक प्रेसिपिटेट का कलर पता होना चाहिए। ठीक है, कलर हर एक प्रेसिपिटेट का पता होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर चलिए अब मैं आप डायरेक्टली आ जाता हूँ एक्टिविटी पे, टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी पे।
लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट दिया है, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट। तो ये डायग्राम में भी डायग्राम दिया रहेगा, और ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनका नाम लाइक ए और इसका नाम बी और सी ऐसा कुछ नाम दिया रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू लेबल इट। ठीक है, तो लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है। देन आ जाइए नीचे, गया ये वाली एक्टिविटी देख लीजिए जरा, ये जो एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है लाइक ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी, ईच हैव एन आयरन नेल इन देम एंड दे हैव बीन केप्ट विद दिस फॉर अ वीक। एक वीक तक उसको इस तरीके से रखा गया है, एंड देन फ्यू क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक डू यू थिंक ऑल नेल विल रस्ट, ये क्वेश्चन नंबर वन। देन वेर इज द रस्टिंग मैक्सिमम एंड वेर इट इज मिनिमम, ये क्वेश्चन नंबर टू। देन व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक यहाँ पे डायग्राम दिया है, डायग्राम अगर आपका पूरे कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर अच्छे से आप प्रिपेयर कर लिया तो आप इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है फिर ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ मेटल इज अप्लाइड ऑन द आयरन शीट, ये ले लीजिए। गिव रीजन में सेकेंड और थर्ड वाला जो गिव रीजन है उसको ले लीजिए। देन इसमें से आइडेंटिफाई करने आना चाहिए लाइक कौन सा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये टेबल थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ये टेबल जो है प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पे एक क्वेश्चन आता है हमेशा, तो वो थोड़ा सा आप जहन नशी कर लीजिए उस चीज को। ठीक है, अब आ जाइए आपके चैप्टर नंबर सेकंड पे। चैप्टर नंबर सेकंड में बहुत सारी एक्टिविटीज आने के चांसेस है। ठीक है, सबसे पहले याद ये रखना है कि सेकंड चैप्टर में आपको जितने भी लॉज हैं, ठीक है, लाइक मेंडेलीव लॉ है, ऑक्टेव न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ है, देन ट्राइड वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो आपको करना है। ट्राइड में से एक एग्जांपल कंपलसरी आप उसको याद रखिए। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली ट्राइड का जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे ही मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस वन नंबर वन लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट इसका आप याद रखिए। या हो सकता है एग्जाम में आपको एलिमेंट के नाम ना दिए हो, एक्स वाई जेड करके दिया हो, और दो का आई मीन दो एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास दिया रहेगा एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फाइंड फॉर द थर्ड वन। ठीक है, बट फर्स्ट वाला जो है एग्जाम्पल याद रखिए, ये फाइंड द ऑड वन आउट के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट के अंदर भी इसको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ता हूँ, लॉस सबके याद रखना है। मेंडेलीव सॉरी डोबिनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट, सबसे पहले क्लासिफाई करने वाला डोबिनर था, बट सक्सेसफुल जो था वो था मेंडेलीव। ठीक है, मेंडेलीव ने सक्सेसफुली उसको अटेम्प्ट किया और कंप्लीट करने वाला डेमेट्रियस, तो कंफ्यूज ना होइएगा इसके अंदर। मेंडेलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म लाइक उसके रोज और उसके कॉलम्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत से बच्चों ने मेरे सेशंस अटेंड किए थे, उसमें मैंने डिटेल चीजें एक्सप्लेन करी थी और नोट्स वगैरह भी उनको प्रोवाइड किया था। ठीक है, जिन बच्चों को क्वेश्चन पेपर का सेट चाहिए, क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे, ना सिर्फ एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी लाइक आपको आगे कॉमर्स साइंस आर्ट्स जो भी कुछ आप लेना चाहते हो उसका गाइडेंस
आपको वहां पे प्रॉपरली मिलता रहेगा। टाइम टू टाइम जब कभी मैं लाइव सेशंस लूंगा तो वहां पे आपको अपडेट जाएगा, ताकि वहां से आप मेरे सेशंस को ज्वाइन कर सको और अकॉर्डिंगली आपको जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी मैं आपकी फुलफिल करता रहा। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और ये कैसे याद करना है इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर दिया है, यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सारी चीजें सब कैसे याद करना है। ठीक है, लाइक फर्स्ट वाला देखो, है लीना की रब से फरियाद, क्या फरियाद है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी हो गया। देन 17 ग्रुप याद करने के लिए कैसे याद करोगे, सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। तो इस तरीके से आप बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने ड्यूरिंग द क्लास दिए थे। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो इस पर जा करके थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा है, लाइक द पीरियड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल KLM, खाली KLM, तीन पीरियड वाला, हाँ सॉरी, तीन शेल वाला कौन सा पीरियड है, तो थर्ड पीरियड ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल इज कितना रहेगा, वो याद रखिए। ठीक है, क्योंकि साइंस का पेपर है तो ज्यादा मार्किंग आपको मिलेगी, मैथ्स में थोड़ी कम दिया था मैंने, वो कम में ही सब कुछ आ गया था, तो मैथ्स का पोर्शन भी छोटा था। साइंस में 10 चैप्टर है तो ऑफ कोर्स टाइम ज्यादा लगेगा इम्पोर्टेंस डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको ये देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे एलिमेंट दिया है। ओके, के है सोडियम, ये मैंने एलिमेंट्स का पूरा लिस्ट दे दिया है, और नीचे मैंने आपको इनका एटॉमिक रेडियस दे दिया है। आपको इस एटॉमिक रेडियस को अरेंज करना है वर्टिकली डाउनवर्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडाई। ठीक है, एटॉमिक रेडाई के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटा 152 है, मतलब लिथियम। देन नेक्स्ट जो है वो है सोडियम, दैट इज 186। देन अकॉर्डिंगली नेक्स्ट रहेगा पोटेशियम, पोटेशियम इस तरफ लिखना है। ठीक है, देन 231, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको अरेंज कर दोगे। इजी सा क्वेश्चन है, डिफिकल्टी कुछ नहीं है इसके अंदर। गिव रीजन में एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। इस चैप्टर में से कंफर्म एक गिव रीजन इस चैप्टर में से कंफर्म आने वाला है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आता हूँ। और लाइक मैंने यहाँ पे लिखा एलिमेंट, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं वो आपको लिखना है। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, दूसरा मैंने लिखा वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, पहले वाले को कुछ भी नहीं डैश डाल दिया, सेकंड वाले को 19 लिख दिया, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले का इज 2.5, सेकंड वाले का डैश डाल दिया, इसका पीरियड इज 2 और यहाँ पे डैश डाल दिया। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा ग्रुप है, क्या है। कुछ बच्चों ने मेरा सेशन अटेंड किए थे, क्रैश कोर्स जिसे कहते हैं, और उसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी डिटेल के अंदर। ठीक है, तो
जस्ट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आंसर्स क्या रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप शायद पहली बार देखते रहोगे, इसके पहले आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया है। मेन हेडिंग रहेगा, इसका मेन हेडिंग रहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है? इजी है भाई, कोई खास डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। अरे अपने टेक्सट बुक पे यहाँ पर फर्स्ट वाला मैंने करने बोला है आपको, सेकंड वाला भी कर लीजिए इसके अंदर से। नेम द फॉलोइंग, ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसके अंदर से आते हैं। थर्ड चैप्टर का ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, अब डायरेक्टली मैं आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे। एंड माय नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4। ओ तेरी, ये चैप्टर ही बच्चों लोग को डिफिकल्ट जाता है। क्यों डिफिकल्ट जाता है? हाँ जी, उसे याद रखें। और इसके बाद में ये चीज देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि कन्वर्जन पता होना चाहिए, जूल्स लॉ पता होना चाहिए, ठीक है? देन इसके एप्लीकेशंस में ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये क्या चीज है। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, फ्यूज है क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है? देन ये डायग्राम आ सकता है, ड्रॉ करने नहीं आएगा, ड्रॉ किया रहेगा, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। सिमिलरली ये वाला नहीं, कहाँ गया? राइट हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रूल आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद में डायरेक्टली सोलेनोइड डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ठीक है? और इसके प्रॉपर्टीज आपको, दो प्रॉपर्टीज इसके याद रहना चाहिए। इसके बाद में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करके ही जाइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पढ़ के जाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देन इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डीसी जनरेटर, जनरेटर वाला पार्ट नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शंस लिखने के लिए आ सकता है, या उसका वर्किंग भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आ जाइए। यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है, देन इलेक्ट्रिक मोटर इम्पोर्टेंट है, देन इसके बाद में एसी डीसी नहीं करना है आपको, एसी वाला करिए, देन टंगस्टेन वाला करिए, इसके बाद में इसके बाद में इसके बाद में गिव रीजन में दो गिव रीजन कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है? चांस नहीं लेंगे जी। सोलेनोइड मैंने बताया आपको करना है, और इसके बाद में ये जो दिया है ना, नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैम, ये देखो आइडेंटिफिकेशन लिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 इज हीट, और हीट के अंदर एक मिनट, हीट चैप्टर, हीट में हीट का डेफिनेशन, या फिर यू कहिए कि लाइक हीट के अंदर, हीट चैप्टर के अंदर हीट और टेम्परेचर, इसका डिस्टिंग्विश आपको आना चाहिए।
ठीक है, लेटेंट हीट का डेफिनेशन आना चाहिए। फिर लेटेंट हीट के बाद में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर गिव रीजन आता ही आता है। ठीक है, ये हीट चैप्टर मेरे टाइम पे, जब मैं 10th में था, वो टाइम पे हमें था, उसके बाद में उसी के बाद में जस्ट निकाल दिया गया था, और कई सालों तक नहीं था, उसके बाद में फिर ये अभी जो न्यू सिलेबस आया तो फिर ये हीट चैप्टर वापस से डाल दिया। ठीक है, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, इसके ऊपर भी मेरे वीडियोज वगैरह अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। इस पे गिव रीजन कैसे आता है, लाइक इन अ रीजन विद कोल्ड क्लाइमेट द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इन कोल्ड रीजन इन विंटर द पाइप्स फॉर द वाटर सप्लाई ब्रेक एंड इवन रॉक क्रैक। या फिर आ सकता है, द कोल्ड रीजन इन विंटर द रॉक क्रैक्स ड्यू टू एनिमल्स एक्सपांशन ऑफ वाटर। तीनों क्वेश्चन सेम है, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पूछा गया, बट इसका आंसर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट बुक में। और कैलोरी मीटर का यूज क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको थर्मोमीटर को टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और कैलोरी मीटर को हीट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाइकली एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन पेपर में कवर किए। इफ यू वॉन्ट टू गेट दैट क्वेश्चन पेपर फॉर सॉल्विंग, ठीक है, लाइक आपको लग रहा है प्रिपरेशन हो गया है या आधा हुआ है, नॉट कंफर्म कि कर पाएंगे या नहीं, तो क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए मुझसे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, डेफिनेटली यू विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स के एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक ये वाला टॉपिक है, और कहाँ गया, एक ये, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, और एक ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, बाकी ये मैंने एनिमल्स बिहेवियर आपको करने बोला है, तो इसको छोड़िएगा नहीं। इसके अंदर जितने भी एसआई यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स को मत छोड़िए। ये डायग्राम से क्या पता चलता है कि आयरन के पास ज्यादा हीट थी, उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, इसके लिए वो ज्यादा नीचे तक गया, एक कम नीचे गया, एक थोड़ा थोड़ा ही नीचे गया। तो अलग अलग सब्सटेंस की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है। ठीक है, और ये वाला डायग्राम कर लीजिए। ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो आपको आंसर देना होना चाहिए। अब यहाँ पे जस्ट खाली फॉर्मूला उसका याद रखिए। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल्स की तरफ अभी मत भागिए यहाँ पर। ठीक है, सारी चीजें मैंने टेक्सबुक के अंदर ही कवर कर ली, तो यहाँ पे अलग से मैं नहीं बता रहा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर आपको यहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करना है, फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करना है, और एक टॉपिक रहेगा जिसका नाम है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये करना है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये चार्ट में खाली पहले वाला वैल्यू और लास्ट वाला वैल्यू याद रखिए, सबसे कम एयर का होता है, सबसे ज्यादा डायमंड का होता है, ये याद रखिए। फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी तो इसका कॉन्सेप्ट करोगे। ये तीनों भी केस 1, केस 2 और केस 3, ये तीनों भी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब 90 डिग्री बन रहा है, लास्ट वाले डिग्री में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, और यहाँ पे एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। ठीक है, तीनों केस आप याद करिए। इसमें से कोई भी एक आ सकता है, एप्लीकेशन में से कोई भी एक एप्लीकेशन आ सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस अच्छे से करिए इसके लिए। डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, व्हाट इज स्पेक्ट्रम इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मत करिएगा। देन आ जाते हैं डायरेक्टली नीचे। हाँ, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पॉसिबल है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करिए, देखो मैंने जहाँ पे जरूरी है मैंने आपको बता दिया।
फिलअप्स देख लीजिए, ये वाला फिलअप्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करिए। फिर डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देन स्काई ब्लू क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। आ जाता हूँ लेंसेज चैप्टर पे, तो लेंसेज चैप्टर में लाइक यहाँ पे फोटोज दिया गया, उसके नाम दिया है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये वाला पार्ट भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली अब हम इसके अंदर आ जाते हैं, ये दो डायग्राम कर लीजिए, बाकी डायग्राम्स इसमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज प्रैक्टिकल में कवर होती है बेसिकली थ्योरी के लिए हम उसको ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे और लेंस के फॉर्मूले पे। लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दोनों भी फॉर्मूले इसके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है, डायोप्टर ये वाला देख लीजिए जरा। SI यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है, डेफिनेशन। देन ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स मेरे अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप लोग जा करके डायरेक्टली मेरा नाम डाल के सर्च कर सकते हो। मियोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है और डिस्टिंग्विश है, दोनों तीनों डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है। देन पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, दोनों के पावर का उनका पावर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया अलोंग विद डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये इस चीज को आप ऑप्शन में डाल सकते हो, माइक्रोस्कोप वगैरह को आप ऑप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, एज आई सेड के ये वाला जो पावर ऑफ लेंस का एमसीक्यू, सॉरी नॉट एमसीक्यू, न्यूमेरिकल है, ये इसको अच्छे से करिए, और इस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल करिए, दो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करने को बताए, ठीक है। देन इसके बाद में आप आ जाइए, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज बाय द वॉच रिपेयरर, देन बस सी वाला कॉन्सेप्ट एक वो कर लीजिए। ह्यूमन आई ऑलरेडी मैंने बता चुका है, ह्यूमन आई का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी चैप्टर, अरे ये चैप्टर तो एकदम पापा है। इस चैप्टर में से डायरेक्टली आप एक ये सीक्वेंस याद रखिए, इसके बाद में ये तो सबको आता रहेगा, एक ये वाला पार्ट आप याद रखिए, इस पार्ट के अंदर भी ये पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है जी, ठीक है। इसके बाद में ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में आपको डायग्राम्स अच्छे से करने, हर एक चीज के डायग्राम्स आपको अच्छे से करने, और ज्यादातर डायग्राम दिया रहेगा और डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ठीक है। एक ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, और ये वाला जो है ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है, डायग्राम दिया रहेगा उसके ऊपर पूछा जाएगा। स्पेशली ये वाले टर्म को याद रखिए, ठीक है, स्टेनिक ऑक्साइड और ये जो टंगस्टेट दिया है, फेरस टंगस्टेट, ये क्यों है, क्या है, ये चीज को पूछा जाता है। नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक रोलर्स ये याद रखिए। फोर्थ रोटेशन मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेबल वाला एल्यूमिनियम का जो है इसको याद रखिए, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना था, बट फिर भी इसके अंदर क्रियोलाइट एंड फ्लोर स्पार, इसका फॉर्मूला याद रखिए, और इसको क्यों यूज किया जाता है, टेम्परेचर को लोअर करने के लिए, राइट, वो याद रखिए, ठीक है। और इसका कैथोड और एनोड रिएक्शन दोनों भी याद रखिए, नोट कर लो भाई। करोशन क्या होता है, करोशन को प्रिवेंट कर कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलोइंग, इसके अंदर ये जो परसेंटेज है और किसमें क्या मिलाया गया है ये जरा आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देते बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, सो जस्ट मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। ये कर लीजिए, ओर और गैंग का डेफिनेशन कर लीजिए। गिव साइंटिफिक रीजन के अंदर सोडियम इज ऑलवेज कैप्ट इन केरोसिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर ई इज इंपॉर्टेंट। देन
बी वाला कर लीजिए। ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए। ये ड्रॉ वाला तो भाई कुछ भी छोड़ो मत, क्योंकि इसी के अंदर डायग्राम अभी आया है, तो डायग्राम अगर इसके अंदर अभी अभी आया है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन कंपाउंड के ऊपर ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स दिए हैं, लाइव लेक्चर्स लिए थे 2 हफ्ते पहले। आप लोग जाइए मेरे चैनल पर जाकर के चेक करिए, या फिर आप चैप्टर का नाम डालिए और मेरा नाम डालिए, आपको उसका पूरा डिटेल और पूरा जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है, आईयूपीएसी वगैरह सारी चीजें मैंने उसके अंदर कवर की। ठीक है, इसके अंदर मीथेन का स्ट्रक्चर, आयोनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, ऐसा नहीं ड्रॉ करते हैं, चलिए इसको इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये करिएगा। इसके सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसके अंदर डिस्कस करी हैं। ठीक है, इस इसको कर लीजिए अच्छे से, इसके अंदर बेंजीन का स्ट्रक्चर एंड ऑल कर लीजिए। फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट है, कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और हाँ पेंटेन की कितने आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं, वो याद रखिए, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। आयुपेक पूरा मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया था, तो वापस से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट चैप्टर बहुत इजी है, इसकी जितनी भी एक्टिविटीज दी गई है एक्टिविटीज अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, लास्ट इसका जो एक्टिविटीज दिया है ना यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पार्ट अच्छे से कर लीजिए, दोनों अच्छे से कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये कर लीजिए बस। ये चैप्टर को इतना दिल पे मत लेना। So hope so this video and the importance that I have shared will benefit you with respect to your examination and whatever the reduced syllabus and all. Okay, and my good wishes with you. वो तो होते ही हमेशा, but a special one. All the best to the students. Right. So we'll meet you on the day of examination in evening. Bye everyone.